ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली इलाके में दो परिवार के सदस्यों का धर्म परिवर्तन करने पहुंचे चार आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपियों में एक विदेशी महिला भी शामिल है और बताया जा रहा है कि सूरजपुर के कस्बे में चारों धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। थाना क्षेत्र सूरजपुर में अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें चार लोगों को जो है पुलिस हिरासत में लिया गया है और एक जो है वो विदेशी महिला भी इसमें शामिल है, जिसमें लोकल के कुछ लोगों को जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन के लिए जो है वो उकसाया जा रहा था और इसमें पूर्व में भी इनके द्वारा लालच और प्रलोभन दिया गया था। इसी क्रम में अभी पंजीकृत कराया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली इलाके में दो परिवार के सदस्यों का धर्म परिवर्तन करने पहुंचे चार आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी जुड़ गए हैं। पवन, जिन चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया है उनके बारे में और क्या डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी अगर बात करें तो पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद अपने एक गुप्त स्थान पर ले गई है, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन ये पता जरूर चला है, पुलिस ने जो जानकारी अभी तक साझा की है उसके मुताबिक ये जरूर पता चला है कि इनमें एक विदेशी महिला शामिल है और सबसे बड़ी बात है कि तीन और लोग इसमें मौजूद थे। दो अलग अलग परिवारों में जाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए समझाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें बार बार बता रहे थे, उन्हें बार बार उकसा रहे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि वो धर्म परिवर्तन करे। इसमें जो विदेशी महिला बताई जा रही है उसको भी हिरासत में लिया गया है और ये पता किया जा रहा है कि किस जगह से ये लोग ताल्लुक रखते थे, इनके पीछे किस तरीके का गिरोह है, कौन लोग हैं ये और क्यों ये परिवारों के पास जाकर उन्हें प्रलोभन दे रहे थे, उन्हें उकसा रहे थे। इन सारे मामलों पर फिलहाल अभी जो जानकारी है पुलिस द्वारा ली जा रही है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही वो मीडिया के साथ इनकी जो पूरी डिटेल है वो भी साझा करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ये जो गैंग बनाकर ये धर्म परिवर्तन के काम को ऑपरेट कर रहे थे। चलिए, शुक्रिया आपका पवन त्रिपाठी इस जानकारी के लिए।